राजपूत राजपूत है हम, हमको हरा दे किसी में क्या दम, राजपूत 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 है। जब भी कोई ऐसी विपत्ति आई हो हिंदू संस्कृति के अंदर, जब भी कोई बहुत बड़ा आक्रमण हुआ उस समय किसी ने शस्त्र उठाया है तो वो क्षत्रिय कहलाया है, और जो शास्त्र लेकर के धर्म का प्रचार करते थे ऐसे गुरुजनों की रक्षा करने के लिए भी किसी का हाथ आगे बढ़ा तो वो भी क्षत्रिय का था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान से लेकर के और आधुनिक भारत तक ये बात ये गर्व के साथ आप लोग कह सकते हो कि लोग तरसते हैं, दुनिया के लोग तरसते हैं हिंदुस्तान को देखने के लिए और सपने सजोते हैं कि एक बार मुझे भारत में जन्म दें, और उसमें भी लोग तरसते हैं कि जन्म दें तो क्षत्रिय कुल में दें और अच्छी बात है। परंतु आप लोगों का भाग्य, आप लोगों का कर्म, आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, आपने पहले जन्म में बहुत अच्छी माला फेरी, कोई सेवा की होगी, कोई पुण्य किया हुआ होगा जिसके प्रताप से, जिसके कारण आपको हिंदुस्तान की धरती तो मिली मिली, देव भूमि तो मिली मिली, छात्र में क्षत्रिय कुल भी मिला आपको, कितनी गर्व की बात है। अब यदि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, विश्व के इतिहास में से हिंदुस्तान का इतिहास निकाल दें तो विश्व के सामने कोई पढ़ने लायक चीज नहीं रहती है, और ऐसे ही हिंदुस्तान के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो पीछे हिंदुस्तान में भी कुछ नहीं बचता है, और राजस्थान का इतिहास तो राजपूताना से ही शुरू होता है, अर्थात राजपूतों का इतिहास राजस्थान से निकाल दो तो राजस्थान में भी कुछ भी नहीं बचता है। इतना गरिमामय आपका इतिहास, पूरी मानव संस्कृति को, सभी मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति, जो समाज, उस समाज में आपको जन्म मिला, इससे बड़ा आपका भाग्य क्या होगा और इससे बड़ा आपको गर्व क्या होगा। कभी भी कोई घटनाक्रम चला हो विश्व के अंदर, आप लोगों ने इतिहास उठा करके देखा हो और पढ़ा हो तो राजपूत के समान कोई सूरवीर नहीं हुआ, राजपूत के समान कोई दानवीर भी नहीं हुआ, राजपूत के समान सेवक भी नहीं हुआ और राजपूत के समान कोई संत भी नहीं हुआ है। क्षत्रियाणा का उदाहरण देखें तो पुरुषों से भी ज्यादा, कोई भी समाज की क्षत्रियाणिया के रूप में किसी भी महिला ने इतना बड़ा इतिहास नहीं दोहराया कि अपने पति को युद्ध में भेजने के लिए वो तिलक लगा करके उनको भेजती थी और साथ में भेंट अपना सिर चढ़ा करके देती थी, जब जरूरत पड़ती थी तो खुद क्षत्रियाणियां तलवारें उठा करके मैदान के अंदर धर्म, गाय, संस्कृति और सभ्यता के लिए अपना बलिदान देती थी। ऐसी जननियां, ऐसी कोख, ऐसी माताएं और बहनें, इस हिंदू संस्कृति की जो पोषक है वो क्षत्रियाणियां आपकी माताएं और बहनें, उनको भी मैं सलाह